सो लेट्स कंटिन्यू विद आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ दो केसेस लेके चलेंगे। जो फर्स्ट केस है वो आपका क्या होगा, सॉलिड डिजोल्व इन लिक्विड, और जो सेकंड केस होगा दैट इज द गैस डिजोल्व इन लिक्विड, राइट। तो यहाँ पे हम दो केसेस लेके चलेंगे सॉलिबिलिटी को डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड, राइट। सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, हम क्या करते हैं, हम कोई भी लिक्विड लेके चलते होते हैं और जब हम उसके अंदर कोई सॉल्यूट को या कोई सॉलिड को डिजोल्व करना स्टार्ट करते होते हैं तो ये जो सॉल्यूट है वो कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, उसमें डिजोल्व होता रहता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिजोल्यूशन बोलते होते हैं। अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, हम वाटर लेते हैं, जब वाटर के अंदर हम क्या करते हैं, शुगर पार्टिकल को डिजोल्व करते होते हैं तो वो कंटिन्यूसली क्या होता है, डिजोल्यूशन इनका होता रहता है, कीप ऑन डिजोल्विंग होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिजोल्यूशन, राइट। और अब क्या होगा कि जब आप उसको शुगर को पानी के अंदर डिजोल्व कर रहे हो तो अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आती होती है कि शुगर अब पानी के अंदर डिजोल्व होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप क्या कर रहे हो, शुगर को पानी के अंदर डिजोल्व कर रहे हो तो जो ये सॉलिड सॉल्यूट है ना, जो सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व सॉल्यूट है उसके पार्टिकल के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते होते हैं, और उस कोलिजन की वजह से सॉल्यूशन में से जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, राइट। तो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, द सेपरेट आउट ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम द सॉल्यूशन, उसको आप क्या बोलोगे, क्रिस्टलाइजेशन। और इस स्टेज पे आपका जो रेट, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, डेट मीन्स जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है ना वो किसके इक्वल हो जाएगी, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के इक्वल हो जाएगी, और ये जो स्टेज है ना आपकी क्या कहलाएगी, सैचुरेटेड स्टेज, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। तो हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर अब नो मोर सॉल्यूट कैन डिजोल्व, जिसके अंदर अब और सॉल्यूट पार्टिकल डिजोल्व नहीं हो सकते, उसको आप क्या बोलोगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर आपके सॉल्यूट पार्टिकल डिजोल्व होते जा रहे हैं तो उसको आप क्या बोलोगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलोगे, राइट। तो ये तो कुछ टर्म्स होगी। अब जो हमें क्या एक्सप्लेन करना है, हमें एक्सप्लेन करना है सॉल्युबिलिटी को। तो सबसे पहला जो हम केस क्या ले रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड, उस केस में हम सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो उस केस में सॉल्युबिलिटी क्या होगी कि आपका कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजोल्व हो सकता है 100 ग्राम ऑफ लिक्विड में, ताकि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन अ लिक्विड इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन अ 100 ग्राम ऑफ लिक्विड टू मेक इट सैचुरेटेड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिबिलिटी। जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज अ फैक्टर अफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड, सॉलिड की किसी लिक्विड में सॉलिबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। बेसिकली जो हम डिस्कस करेंगे ना, हमारे पास क्या है, दो फैक्टर्स है, फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो सेकंड फैक्टर है दैट इज द टेम्परेचर, हालांकि एक थर्ड फैक्टर है प्रेशर, बट उसको हम डिस्कस नहीं करते होते। उसको हम क्यों नहीं डिस्कस करते होते, क्योंकि जितने भी आपके जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, वो इजिली कंप्रेस नहीं हो सकता, और लिक्विड भी आपका क्या है, कुछ हद तक ही कंप्रेसिबल है, बहुत कम कंप्रेसिबल है, इसलिए प्रेशर का जो इफेक्ट होता है ना सॉलिड की सॉल्युबिलिटी में लिक्विड के अंदर, वो बहुत कम होता है, इसलिए हम इस फैक्टर को डिस्कस नहीं करते। तो बेसिकली हमें दो फैक्टर डिस्कस करने हैं, फर्स्ट वन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सेकेंड वन इज द टेम्परेचर। फर्स्ट फैक्टर डिस्कस करते हैं दैट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये फैक्टर क्या कहता है कि जो सॉल्यूट सॉल्वेंट के विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट से केमिकली सिमिलर है ना, वही सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो सकता हो। इस फैक्टर को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, लाइक डिजोल्व लाइक के अकॉर्डिंग, राइट। अब
ये स्टेटमेंट कैसे इम्प्लाई की जाती होती है, जितने भी आपके आयनिक सॉल्यूट है यानी कि जितने भी आपके पोलर सॉल्यूट है, फॉर एग्जांपल NaCl, वो सारे के सारे पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिजोल्व होते हैं, जबकि जितने भी नॉन पोलर सॉल्यूट है सारे के सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, अगर मैं बात करूँ NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट, जो NaCl है ना वो वाटर में मोर सोल्यूबल है एज कंपेयर टू शुगर। वाई? क्योंकि NaCl आपका क्या है, आयनिक इन नेचर, जबकि शुगर की बात करें वो कैसी है आपकी, कोवलेंट इन नेचर। इसलिए NaCl वाटर के अंदर ज्यादा सोल्यूबल होगा क्योंकि वाटर क्या है आपका, पोलर इन नेचर। तीसरी बात, अगर मैं बात करूं आयोडीन की, अगर आयोडीन है ना, क्योंकि आयोडीन एक कोवलेंट है, तो ये नॉन पोलर सोलवेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, एल्कोहल, उसमें ज़्यादा सोल्यूबल होंगे क्योंकि वो क्या है, कोवलेंट लिक्विड है। तो ये तो कुछ एग्जांपल हो गए। अब बात आती है कि मैंने बोला ना कि जो सोल्युबिलिटी है पोलर की पोलर में, नॉन पोलर की नॉन पोलर में, तो उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। मैं एग्जांपल लेके चलूंगी NaCl और वाटर। अब NaCl आयनिक है, जब भी हम NaCl को वाटर के अंदर डिजोल्व करते होते हैं तो NaCl Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के अंदर क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब इस NaCl को Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर स्प्लिट आउट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। हम लैटिस एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वन मोल ऑफ आयनिक बॉन्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। अब जब आप NaCl को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हो तो इस केस में क्या होगा, वाटर आपका क्या है, पोलर। अब पोलर है तो इसमें भी चार्ज सेपरेशन होगा, H पॉजिटिव और O नेगेटिव। तो क्योंकि Na पॉजिटिव है, जो इसका पॉजिटिव आयन है ना, इस वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव आयन से क्या हो जाता है, सराउंडेड हो जाता होता है। यानी कि वाटर का जो नेगेटिव आयन है, O नेगेटिव है, इसके चारों तरफ एक एनवलप बना देता है, एक लेयर बना देता होता है, कुछ इस तरीके से। और सिमिलरली अगर मैं बात करूँ Cl नेगेटिव आयन की, तो इसके चारों ओर जो ये H पॉजिटिव है ना, वो क्या करेगा, एक पॉजिटिव लेयर बना देगा, इसको चारों तरफ से क्या कर देगा, सराउंड कर देगा, जिसकी वजह से ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में कंबाइन नहीं हो सकते होते, और ये कंबाइन नहीं होंगे तो वाटर में क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो सकते हैं। अब जो ये आयन्स हैं ये आपके वाटर के अंदर फ्रीली मूव कर सकते होते हैं, और इन आयन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयन बोलते होते हैं। और जब ये आयन वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं तो कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ आयन डिजोल्व इन वाटर, राइट। और कोई भी सब्सटेंस वाटर में या किसी सॉल्वेंट में तभी डिजोल्व होगा जब हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन होगी किससे, लैटिस एनर्जी से। अगर ये फैक्टर एग्जिस्ट करता है तभी आपकी सोल्युबिलिटी होगी, अदरवाइज आपकी सोल्युबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये तो बात थी आयनिक के केस में। अगर मैं बात करूँ नॉन पोलर के केस में, तो नॉन पोलर के केस में भी सिमिलर सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट या सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता होता है, जिसकी वजह से नॉन पोलर की जो सोल्युबिलिटी होती है वो किसके अंदर होती है, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही होती है, राइट। जो सेकेंड फैक्टर है डेट इज द टेम्परेचर। मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ सोल्यूबिलिटी कर्व। अब सोल्यूबिलिटी कर्व क्या होता है, सोल्यूबिलिटी कर्व क्या है, दिस इज अ ग्राफ बिटवीन सोल्यूबिलिटी ऑफ एनी सॉलिड इन लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ किसी सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी का जो ग्राफ आप प्लॉट करते हो उसको आप क्या बोलते हो, सॉल्युबिलिटी कर्व बोलते हो। तो टेम्परेचर के इफेक्ट के बेस पे हम यहाँ तीन कैटेगरी ले सकते हैं, तीन तरह के सब्सटेंस एग्जिस्ट करेंगे। पहले सब्सटेंसेस वो है जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकेंड क्या होगा, जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और तीसरे वो होते हैं ना तो डिक्रीज होती है ना ही इंक्रीज, नाइदर डिक्रीज नॉर इंक्रीजेस, राइट। तो सबसे पहले हम उन सब्सटेंसेस को डिस्कस करते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
तो इसमें जो आपके एग्जाम्पल आएंगे वो क्या आएंगे, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl एक्सेट्रा, कुछ इस तरह के सब्सटेंस। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि इन सब्सटेंस की जो सोलिबिलिटी है टेम्परेचर इंक्रीज होने पे इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि जो इनका डिसोल्यूशन का प्रोसेस है, मतलब जब इन सब्सटेंसेस को आप वाटर के अंदर डिसोल्व करते हो तो वो जो प्रोसेस है ना वो आपका कैसा है, एंडोथर्मिक इन नेचर, राइट। हमने लिया क्या, सोल्यूट प्लस सोलवेंट प्लस हीट, और ये क्या बना रहा है, सॉल्यूशन। तो क्योंकि ये क्या है आपका एंडोथर्मिक, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल जो आपका इक्विलिब्रियम है ना वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और वो सॉल्यूशन की फॉर्मेशन को क्या करेगा, फेवर करेगा, इसलिए आपकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं दूसरे टाइप के सब्सटेंस की बात करूं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, उसके जो एग्जांपल है लाइक आप ले सकते हो लिथियम कार्बोनेट, सीरियम सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट Li2CO3, सीरियम सल्फेट सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट Na2CO3.H2O, इस तरह के सब्सटेंस। तो इस केस में जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है कि इनका जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो आपका क्या है, एक्सोथर्मिक, राइट। अब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल जो आपका इक्विलिब्रियम है ना वो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर मैं थर्ड टाइप के सब्सटेंसेस की बात करूं जिनकी सॉल्युबिलिटी ना तो डिक्रीज होती है कंटिन्यूसली ना ही इंक्रीज होती है, तो वो सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, वो सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिस केस में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो एक पॉलीमेरिक फॉर्म से दूसरी पॉलीमेरिक फॉर्म में चले जाते हैं, या वो वन हाइड्रेटेड फॉर्म से अनदर हाइड्रेटेड फॉर्म में चले जाते हैं, या फिर वो आपकी हाइड्रेटेड फॉर्म से अनहाइड्रेटेड फॉर्म में चले जाएं, ऐसे सब्सटेंसेस के केस में जो सॉल्युबिलिटी है ना तो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है ना ही कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल Na2SO4.10H2, ये इसका एग्जाम्पल। अगर मैं इसकी बात करूँ Na2SO4.10H2, अगर मैं इसको हीट करती हूँ तो इसकी सॉल्युबिलिटी अप टू 32.4 डिग्री सेल्सियस तो क्या होती है, इंक्रीज होती है, एंड आफ्टर दिस टेम्परेचर इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि Na2SO4 32.4 डिग्री सेल्सियस में हाइड्रेटेड फॉर्म से अनहाइड्रेटेड फॉर्म में चेंज हो जाता है, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे आपका कोई सब्सटेंस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब मैं इसकी बात कर रही हूँ Na2SO4 की, ये 32.4 डिग्री सेल्सियस हाइड्रेटेड फॉर्म से किस पे चेंज हो रहा है, अनहाइड्रेटेड फॉर्म में। तो जो 32.4 डिग्री सेल्सियस है ना इसके लिए किसकी तरह काम करेगा, ट्रांजिशन टेम्परेचर की तरह काम करेगा, राइट। तो ये किसका था, फैक्टर ऑफ टेम्परेचर। और प्रेशर की बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्रेशर का बहुत लिटल इफेक्ट होता है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करते। जो हमारा नेक्स्ट केस है ना, डेट इज द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। लगभग सारी गैस, ऑलमोस्ट ऑल द गैसेज आर सोल्यूबल इन अ लिक्विड, और यही रीजन है जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट करती होती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई गैस ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा एक्सटेंट में सोल्यूबल है, कोई गैस कम एक्सटेंट में सोल्यूबल है, लेकिन लगभग आपकी सारी गैस वाटर में क्या होती है, सोल्यूबल होती होती है, ठीक है। अब जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस है इन लिक्विड उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, जब आप सॉलिड की बात कर रहे हो तो सॉलिड के केस में आप मास लेके चलते हो, तो जो सोल्यूट ले रहे हो आप ग्राम में ले रहे हो, जबकि गैस की बात करें ना यहाँ पे हम मास लेके नहीं चलेंगे, हम वॉल्यूम लेके चलेंगे। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अगेन हम इसको डिफाइन करेंगे द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन सीसी, सीसी इज सेंटीमीटर क्यूब। किसी गैस का वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब
जो डिजोल्व हो सकता है 1 cm³ ऑफ लिक्विड में ताकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और 1 atmospheric प्रेशर पे, उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस बोलते हैं। हेंस द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन सेंटीमीटर क्यूब दैट कैन डिजोल्व इन यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 cm³ ऑफ लिक्विड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड अंडर ए प्रेशर ऑफ 1 atmosphere, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस। और जिस मेथड से आप कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हो उसको हम क्या बोलते होते हैं, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होता है आपका, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट वो मेथड है जिससे आप गैस की कंसंट्रेशन को लिक्विड के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, और हम इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हो। और जो किसी भी गैस की सोल्युबिलिटी है ना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो फर्स्ट आप मोलैरिटी और जो सेकेंड आपका मोल फ्रैक्शन, हम इस दो मेथड से आप गैस की सोल्युबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, राइट। जो अगर नेक्स्ट पढ़ना है दैट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड। तो यहाँ पे आपके पास फिर से 3 factors एग्जिस्ट करेंगे। फर्स्ट फैक्टर आपका क्या है, नेचर ऑफ गैस जो आप डिजोल्व कर रहे हो। सेकेंड अगेन आप क्या लेके चल रहे हो, टेम्परेचर। और जो थर्ड आप लेके चल रहे हो, प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर वाला फैक्टर इम्पोर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ गैस। अगेन सेम जैसा हमने सॉलिड के केस में पढ़ा था कि वही गैस जो केमिकली सिमिलर होगी आपके लिक्विड से, वो गैस इजिली आपकी क्या हो सकती है, डिजोल्व हो सकती होती है। और जो केमिकली सिमिलर नहीं है वो डिजोल्व नहीं हो सकती। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जो आपके पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, वो कम एक्सटेंट में वाटर सोल्यूबल होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, HCl और अमोनिया ये हाईली सोल्यूबल होती है, क्योंकि जो ये किस पे डिपेंड करती है, सोल्यूबिलिटी रिएक्शन विद द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के साथ कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, कैसे रिएक्शन शो कर सकते हैं, उस पे इसकी सॉल्युबिलिटी क्या करती है, डिपेंड करती होती है। अब बात कर रही हूं मैं किसकी, सेकंड फैक्टर की, दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को डिस्कस करूं ना, तो गैस के केस में जो सॉल्युबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। मतलब जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस है इन लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है जब भी आपको आप किसी गैस को किसी लिक्विड के अंदर डिजोल्व करते हो, यानी कि डिजोल्यूशन ऑफ गैस, वो आपका क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। लाइक सोल्यूट यानी कि आप गैस ले रहे हो प्लस सोलवेंट, यहाँ पे आपने क्या ले लिया, सोल्यूशन प्लस हीट, ये क्या है आपका, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो जो आपका इक्विलिब्रियम है वो आपका क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा तो सॉल्यूशन की फेवर को, फॉर्मेशन को फेवर नहीं कर रहा, तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी है ना वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट। अगर मैं इसको दूसरी तरह समझाऊं तो मैं तो इसको ऐसे याद करती हूँ कि ऑलरेडी जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना वो रैंडम मोशन में होते हैं, उनके पास ऑलरेडी बहुत काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। और जब आप इसको हीट करते हो तो पार्टिकल को और काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ये दूर दूर भागेंगे, तो ये इजिली वाटर के सरफेस से स्ट्राइक नहीं होंगे, वाटर के सरफेस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊंगी, मोस्ट ऑफ द गैसेज है उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, आपकी टेम्परेचर इंक्रीज होने पे डिक्रीज होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और इनर्ट गैसेज ऐसी हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी स्पेशली इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन वो इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये तो आपका क्या था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जो थर्ड फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डैट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, राइट। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर को डिस्कस करने से पहले हम एक केस लेके चलते हैं। हम क्या एज्यूम करते होते हैं, हमने कंटेनर ले लिया कुछ इस तरीके से, उस कंटेनर में हमने दो पोर्शन लिए,
जो बॉटम पे है डेट इज द लिक्विड, और जो अपर में है उसको हमने क्या मान लिया, गैस पार्टिकल मान लिए। और अब एज्यूम करके चलते होते हैं जो ये कंटेनर है वो टी टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है और पी प्रेशर पे एग्जिस्ट करता है, राइट। जब हम इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, अब हमें पता है जो गैस है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, जैसे ही हम इस पे प्रेशर अप्लाई करते होते हैं ना, तो गैस के पार्टिकल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। अगर गैस के पार्टिकल एक दूसरे के पास पास आएंगे तो नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो आपके गैस पार्टिकल है पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं, तो डैट मीन्स जो वाटर सरफेस से जो पार्टिकल गैस के पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं ना, उसकी क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और थर्ड फैक्टर डेट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब मैंने आपको बताया था कि सॉलिड के केस में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है, लेकिन जो गैस होती है ना आपकी हाईली कंप्रेसिबल होती है, इसलिए इस केस में जो प्रेशर का इफेक्ट बहुत माना जाता है और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले जब इफेक्ट ऑफ प्रेशर को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे हम एक कंडीशन लेके चलते हैं, हम एक कंटेनर मानते हैं और उस कंटेनर में हमने दो पोर्शन ले लिए, बॉटम वाला लिक्विड एंड अपर वाला गैस। हम क्या सपोज करते हैं, जो ये कंटेनर है ना टी टेम्परेचर पे और पी प्रेशर पे है, और ये कंटेनर आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, डैट मीन्स जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है, मतलब जो गैस के पार्टिकल डिजोल्व हो रहे हैं लिक्विड के अंदर वो किसके इक्वल है, रेट ऑफ इवेपोरेशन, राइट। ये हम एज्यूम करके चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस पे प्रेशर को अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। जब हम इस कंटेनर पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आपके जो गैसियस पार्टिकल है क्योंकि हाईली कंप्रेसिबल है तो ये क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। जब ये पार्टिकल पास पास आएंगे तो नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं, तो डैट मीन्स जो पार्टिकल लिक्विड के सरफेस से स्ट्राइक कर रहे हैं ना, उनकी क्वांटिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब जो पार्टिकल लिक्विड के सरफेस से स्ट्राइक कर रहे हैं और वो पार्टिकल क्या करेंगे, अब वॉटर के अंदर क्या होंगे, एंटर करेंगे, तो उनकी क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक एक नया इक्विलिब्रियम रीएस्टेब्लिश ना हो जाए, राइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैस इज ऑल्सो इंक्रीजेस। ये तो हमने थ्योरेटिकल बात की। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ तो हम इसको क्वांटिटेटिवली कैसे मेजर कर सकते हैं, बाय यूजिंग द हेनरी लॉ। अगेन दिस लॉ इज इम्पोर्टेंट। हेनरी लॉ क्या करता होता है, हेनरी लॉ आपको एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट देता होता है सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैस अकॉर्डिंग टू प्रेशर। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो मास ऑफ गैस डिजोल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। यानी कि जितना मास आप गैस का किसी लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हो, वो मास उस गैस के द्वारा उस लिक्विड पे लगाए गए प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेनरी लॉ बोलेंगे। तो अब कांस्टेंट को हटाएंगे, दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी साइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो एम इज इक्वल्स टू के टी, राइट। वेयर एम इज द मास ऑफ गैस डिजोल्विंग यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट, पी इज द प्रेशर, वेयर के इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोर्शनलिटी जिसकी वैल्यू डिपेंड करती होती है नेचर ऑफ गैस। के की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगी, राइट। अच्छा, दूसरी बात, हम हेनरी लॉ को एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मैं मोल फ्रैक्शन के टर्म में बात करूँ तो हेनरी लॉ को हम दूसरे तरीके से कैसे स्टेट करेंगे, द सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट दैट टेम्परेचर। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो सॉलिबिलिटी या तो हम मोलैरिटी के टर्म में लेते हैं या फिर हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में लेते होते हैं। तो यहाँ हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में लेंगे, तो हम हेनरी लॉ को दूसरे तरीके से कैसे बता रहे हैं, जो गैस की सॉलिबिलिटी है किसी लिक्विड के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जो गैस आपका प्रेशर अप्लाई कर रही है लिक्विड पर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स ए, क्योंकि मैं सोल्यूट की बात कर रही हूँ और ए को मैं किससे डिनोट करती हूँ, सोल्यूट की, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए, जो प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस। अगेन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम क्या लेते हैं, कॉन्स्टेंट लेते हैं, तो एक्स ए इज इक्व टू, मैं इसको के डैश से डिनोट कर रही हूँ, के डैश पी ए, राइट, वेयर के इज द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। अगेन इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ गैस पे, राइट। और तो पी ए क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल्स टू 1 बाय के डैश एक्स ए, और जो 1 बाय के डैश है ना वो किसके इक्वल है, के एच के इक्वल, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेनरी कॉन्स्टेंट। तो पी ए इज इक्वल्स टू के एच एक्स, दिस इज द हेनरीज लॉ। तो इससे भी हमें हेनरी लॉ की एक डेफिनेशन मिल गई। तो हेनरी लॉ की नेक्स्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन सॉल्यूशन, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, यानी कि किसी गैस का पार्शियल प्रेशर वेपर की फॉर्म में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अब जो हेनरीज कॉन्स्टेंट है डेट इज के एच, इसकी यूनिट क्या होगी, तो हम के एच को कैसे निकाल सकते हैं, के एच इज इक्वल्स टू पी ए अपमोन में एक्स ए, इस तरीके से निकाल सकते होते हैं। अब मोल फ्रैक्शन तो यूनिटलेस क्वांटिटी है, बट प्रेशर की यूनिट क्या होती है, आइदर एटमोसफियर और बार। तो के एच किसके इक्वल हो जाएगा आपका, या तो इसकी यूनिट होगी एटमोसफियर और क्या होगी इसकी यूनिट बार, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ हेनरीज कॉन्स्टेंट। हेनरीज कॉन्स्टेंट की कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, तो पहली क्या बात है कि जो हेनरी कॉन्स्टेंट है ना वो किस पे डिपेंड करता है, वो किसका फंक्शन है, नेचर ऑफ गैस। तो के एच इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, पहली बात तो ये। अगर दूसरी बात करूं ना, जितनी ज्यादा के एच की वैल्यू होगी ना उतनी ही ज्यादा गैस की उतनी ही कम गैस की क्या होगी, सोल्युबिलिटी होगी। अगर हम बात करें यहाँ पे, हमने लिया था पी ए इज इक्वल्स टू के ए के एच एक्स ए, राइट, हमने ये चीज ली थी। जो सेकंड पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, पी ए इज इक्वल्स टू के एच एक्स, राइट, तो के एच क्या हो गया, पी ए अपोन में एक्स ए। अगर मैं पी ए को सेम रखूँ, कॉन्स्टेंट रखूँ, तो के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, यानी कि जितना ज्यादा आपका हेनरीज कॉन्स्टेंट होगा उतना ही कम क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को मैं क्या बोल रही हूं, सोलिबिलिटी। तो मोर विल बी द के एच, लेसर विल बी सोलिबिलिटी, सेकेंड करेक्टरिस्टिक ये थी। अगर मैं थर्ड करेक्टरिस्टिक की बात करूं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के एच इज इंक्रीजेज, यानी के एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऐसा क्यों, अभी हमने पढ़ा था गैस के केस में टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। और दूसरा, अभी हम ऊपर वाले पॉइंट से पढ़ के आए हैं, के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी, राइट, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूँ, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एच, डेट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द वैल्यूज ऑफ हेनरी कॉन्स्टेंट इज ऑल्सो इंक्रीजेस, इज डेट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, अगेन इंपॉर्टेंट है, डेट इज द लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ की लिमिटेशन। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या होगा कि हेनरीज लॉ के लिए जो प्रेशर शुड बी लो होना चाहिए और टेम्परेचर शुड बी हाई, मतलब किसी भी गैस को आइडियल गैस की तरह बिहेव करना पड़ेगा तभी आपका हेनरीज लॉ एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज हेनरीज लॉ एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जो सेकेंड लिमिटेशन है वो क्या है कि जो आपकी गैस है ना
वो कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं कर सकती सॉल्वेंट के साथ. डेट मीन्स ना तो वो एसोसिएशन कर सकती है ना ही वो डिसोसिएशन कर सकती होती है. तो ये दो कंडीशन, ये दो जो कंडीशन है वो हेनरीज लॉ की क्या है, लिमिटेशन, राइट. अब नेक्स्ट है, कई बार एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, डेट इज द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ. फर्स्ट एप्लीकेशन जो आप इसकी डिस्कस करते हो, किसके अंदर डिस्कस करते हो, प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस. तो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी सोलिबिलिटी इन सॉफ्ट ड्रिंक्स हाई टेम्परेचर पे क्या होती है, इंक्रीज होती होती है. और जैसे ही आप बोतल को ओपन करते हो, क्योंकि इनसाइड द बोतल जो प्रेशर है वो हाई है जबकि बाहर जो प्रेशर है वो क्या है, कम, तो वो अपने आप को इक्वलाइज करने की कोशिश करेगा. तो जैसे ही आप बोतल को ओपन करते हो तो एकदम से सीसी की आवाज के साथ आपकी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और गैस बाहर निकलती है और उसकी सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है और साथ में वहां पे बबल भी प्रोड्यूस होते होते. सेकेंड जो इसकी एप्लीकेशन है, इन द डीप सी डाइविंग. तो जितने भी आपके सी डाइवर्स हैं ना, जो अपने साथ कंप्रेस्ड एयर के जो सिलेंडर लेके जाते होते हैं ना, उसमें वो क्या करते हैं, डाइल्यूटेड हीलियम को, मतलब वो उसके अंदर क्या करते हैं, हीलियम गैस का कुछ परसेंटेज को क्या करते हैं, लेके जाते होते हैं. ऐसा क्यों होता है, अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन और हमें ये पता है हेनरी लॉ क्या करता है कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा सोलिबिलिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. अगर N2 और O2 वो क्या होगा, जैसे ही सी डाइवर सी में जाएगा तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होंगे, वो आपके ब्लड में डिजोल्व हो जाएंगे और ब्लड के फ्लूड्स के साथ भी डिजोल्व हो जाएंगे. जो ऑक्सीजन है वो तो ब्लड में क्या, मेटाबॉलिज्म के लिए यूज हो जाएगी, लेकिन जो जो आपका N2 है ना, वो आपका क्या होता है, क्योंकि हाई पार्शियल प्रेशर होते हैं तो वो ब्लड में क्या रह जाती है, डिजोल्व रह जाती होती है. और जैसे ये सी डाइवर आपका वाटर से बाहर आएगा ना, एटमोस्फेरिक प्रेशर में आएगा, तो वो क्या होगा, उसमें से बबल्स होंगे और वो बबल क्या करेंगे, नर्व इम्पल्स को इफेक्ट करेंगे और वो क्या करेंगे, डिजीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्प्रेशन सिकनेस, उसको कोज करेंगे. तो इस डिजीज को अवॉइड करने के लिए जो भी आपके सी डाइवर है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ उस एयर में उस सिलेंडर में कुछ अमाउंट में हीलियम को डिजोल्व करके लेके जाते होते हैं. तीसरा जो इसकी एप्लीकेशन है, इन द फंक्शन ऑफ लंग. जब आपकी एयर लंग्स में एंटर करती होती है ना, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, हाई होता है. तो ऑक्सीजन क्या करेगी, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगी. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अब टिश्यू के अंदर क्या है, कम है. तो अब टिश्यू के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन में और वो क्या करेगी, सेल्स को के फंक्शंस को कंटिन्यू करने के लिए यूटिलाइज की जाएगी. और फोर्थ की बात करें, जो क्लाइंबर है या जो पीपल हाई एल्टीट्यूड पे रहते होते हैं ना, तो वहाँ पे भी हम इस लो को यूज कर सकते हैं. कैसे, हाई एल्टीट्यूड पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कम होता है एज कम्पेयर टू ग्राउंड लेवल. तो जो लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होती है वहाँ पे ब्लड में, वहाँ पे क्या होगी, लो कंसेंट्रेशन होगी ऑक्सीजन की. जो टिश्यूज है ना पीपल के जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते होते हैं, उसमें भी क्या है, लो कंसंट्रेशन है. तो वो वीक फील करते होते हैं, वो उनको सोचने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे एनोक्सिया नाम की डिजीज को डिजीज हो जाती होती है. तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी. अगर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करूं, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल लेके चलते जो कि एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जाम्पल भी है, कि इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वॉटर एट 293 केल्विन. हमें टेम्परेचर दिया है कितना, 293 केल्विन. How many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Water का volume कितना दे दिया, 1 liter. Assume that N2 exert a partial pressure of PN2 is equals to 0.987 bar, right? Given the Henry's constant, आपको Henry's constant भी दे रखा है, KH वो कितना दे रखा है, 76.48 kilobar, right? आपको N2 का अमाउंट निकालना है. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, PN2 इज इक्वल टू KH इंटू में XN2. हमें XN2 निकालना था, तो XN2 इज इक्वल टू KH अपॉन में PN2, राइट. XN2 इज इक्वल टू PN2 अपॉन में KH, विच इज इक्वल टू 0.987 bar अपॉन में, ये क्या है, 76.48 किलो बार. किलो बार को बार में चेंज कर देंगे, यानी कि 76480 bar. और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 1.29 × 10⁻⁵. राइट, ये तो आपके पास क्या गया, मोल फ्रैक्शन. हमें क्या निकालने थे, हाउ मेनी मिली मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं.
तो हम कैसे मानेंगे, हम एज्यूम कर देते हैं जो n मोल ऑफ n2 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर डिजोल्व करता होता है, हम ये एज्यूम करके चलते होते हैं। तो x n2 कितना हो जाएगा, n2 अपॉन n2 प्लस n1, राइट। और वाटर की अगर मैं बात करूं, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं 1 लीटर के लिए, 55.5। तो हम इसमें पुट करेंगे, n हमें कैलकुलेट करना है, n प्लस 55.5, या आप इसको n मान लो। तो अभी हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, 1.29 इंटू 10^-5 विच इज इक्वल टू n ओवर n प्लस 55.5। अगर हम इसको सोल्व करेंगे, 1.29 इंटू 10^-5 मल्टीप्लाई बाई n प्लस 55.5 विच इज इक्वल टू n, और हम इसको सोल्व करेंगे, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.71.595 इंटू 10^-5 मोल्स, और हमें इसको मिली मोल में निकालना है, तो डेट इज 0.716 मिली मोल्स। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हो, राइट, डायरेक्ट फॉर्मूला। इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ना, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक नई वीडियो अपलोड करूंगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर, तो उसमें आपको सारे न्यूमेरिकल्स विद सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे। तो